तो स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य किसी पार्टी के नहीं हो सकते। जो व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी में, जिसका काफी समय बीता, वो बहुजन समाज पार्टी का नहीं हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने उनको यहाँ तक पहुँचाने का काम किया, तो क्या वो गारंटी है कि समाजवादी पार्टी का ही बना रहेगा? उनको तो अवसर देखने पर दल बदल की आदत सी पड़ गई है, सब वो अपना करेंगे, और जो विधायक उनके साथ हैं, उनके व्यक्तिगत जुड़े हुए हैं, वो अपना उनके साथ जाने का काम कर रहे हैं। लेकिन उन विधायकों का भी यही है कि जो आदमी बसपा का ना हुआ, जो भाजपा का ना हुआ, वो क्या गारंटी है कि समाजवादी पार्टी का बना रहेगा? मैं ये भ्रम दूर कर दूं, बेटे और बेटी के लिए पिताजी कभी ना प्रेशर बनाए हैं किसी के ऊपर, बल्कि पार्टी ही 2012 में मुझको विधानसभा का टिकट दी, 2017 में भी विधानसभा का टिकट मुझको दी, और बहन जी को भी पार्टी ने ही टिकट दिया है। जब उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं मिलते थे तो बहन जी को ही टिकट देने का काम किया, देकर उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया गया था। आज भी कोई भी ऐसा एक विषय नहीं है जिस पर बेटा और बेटी के लिए माननीय मंत्री जी टिकट मांग रहे हो।